मायका अच्छा है कि ससुराल? क्या अच्छा है? ससुराल। मायके में सदा लड़की ही रहोगी, ससुराल में जाके महारानी बन जाओगी। ससुराल में क्या बनोगी? मालकिन, मालकिन बन जाओगी। और मायके में मालकिन तुम्हारी भौजाई ना बनने देगी, इसलिए ससुराल अच्छा है। लेकिन ससुराल जब लड़की पहली बार जाती है ना, तो ससुराल के लोग बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। कुछ लोग बहू आई ना तो उसे बड़े लाड़ प्यार से रखना चाहिए। 10-5 दिन, 2-4 महीना लगेगा समझने में, थोड़ा टाइम दे दो। अब होता क्या है, बहू आ जाई, सबके लिए उसने भोजन बनाया, वो भोजन में हो गया नमक ज्यादा, तो घर भर के ताने मारते हैं। सास कहेगी, तेरी माँ ने यही सिखाया है? अरे नमक ही तो ज्यादा हो गया है, पहली बार आई है, बेचारी के हाथ पांव कांप रहे हैं, कांपते कांपते नमक डाला होगा, ज्यादा गिर गया होगा, थोड़ा उसे मौका तो दो। 2-4 महीना तो समझने में लग जाता है सास को। अच्छा, सास को समझने में ज्यादा वक्त लगता है कि पति को? जोर से, मैया बताओ मेरी माँ, किसे समझने में वक्त लगता है? हाँ? सास को तो 1-2 महीने में ही आप समझ जाती हो, 6 महीना लगेगा और क्या। पति को समझने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, पति लोग जल्दी समझ में नहीं आते। इसलिए अपनी गृहस्थी को कम से कम 2-3 साल तो दो, जो 2-3 साल दे पाए उनकी गृहस्थी फिर बढ़िया चलने लग जाएगी। 2-3 साल तक तुम चुप रहो, 4-5 साल चुप रहो। पति देखो, कई बार ना जवाब देना नहीं होता। सास हमारी माँ है, ससुर हमारा बाप है, गलती हो रही है तो चुप रह लो, वो कुछ बोल रहे हैं सुन लो। गृहस्थी चलाने के लिए ना एक पक्ष का समझदार होना जरूरी है, या तो सास ससुर समझदार हो, या पति समझदार हो, या पत्नी समझदार हो, और कोई समझदार नहीं होता तो तलाक हो जाते हैं। जिस घर में तलाक हुआ है, मतलब उस घर में समझदार लोग नहीं थे, इसलिए तलाक हो गया। समझदार होता, समझदारी से वो बचाते तो बच जाता। एक बात बताओ, हाथ में फोड़ा हो जाता है, समय के साथ भर जाता है कि नहीं? घाव, यदि शरीर का घाव समय के साथ भर जाता है, गंदा पानी समय के साथ साफ हो जाता है, तो रिश्ते भी समय के साथ सुधर जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, रिश्तों को समय देने की जरूरत है और चुप रहने की जरूरत है, दोनों को, पति को भी और पत्नी को भी। हाँ, जब तुलसी एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगाओ ना, तो 5-10 दिन तो तुलसी भी ऐसी रहती है, पत्ते बिल्कुल कुम्हला जाते हैं, फिर वो पनपती है। ऐसे टाइम लगता है, एक नए घर से लड़की ससुराल आई है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बहू को बहू की तरह ना रखो, बेटी की तरह रखो, सास को सास की तरह ना रखो, माँ की तरह रखो। यदि सास और बहू ये माँ बेटी बन जाए, तो घर घर नहीं स्वर्ग हो जाए साहब। हर बाप चाहता है मेरी बेटी खुश रहे, बेटी खुश तो बाप खुश, बेटी खुश तो माँ खुश, सब खुश। इसलिए खुश रहने की आदत बनाओ। और आप जितने माँ बाप हैं, आप अपनी बेटी और बेटों को पढ़ा लिखा के डिग्रियां तो दे दिए हो, पैसे तो दे दिए हो, लेकिन आपने अपनी औलाद को, बेटा बेटी को खुश रहना नहीं सिखाया। आप माँ बाप को चाहिए कि ये भी कोचिंग दें, ये भी सिखाओ कि बेटा हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। स्थितियां परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहेंगी, परिस्थितियां सदा एक सी ना राम की रही ना सीता की रही, ना आपकी होंगी ना हमारी होंगी, परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती, कभी अच्छा तो कभी बुरा,
कभी सूखा तो कभी गीला, कभी अमीरी तो कभी गरीबी, कभी कैसा तो कभी, ये सारी जिंदगी चलेगा, पर हर हाल में जो प्रसन्न रहता है वही कामयाब है, वही सफल है। आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटे को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाओ। अच्छा बताओ, माता पिता भगवान हैं या नहीं? सच्ची बताओ, आपने महसूस जितना किया हो उतना बताना। माँ बाप को भगवान कहना सही है या गलत है? उत्तर दो। सही है? तो आज यदि माँ बाप को भगवान कहना सही है तो स्कूलों में क्यों नहीं बताया जा रहा है कि बेटा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का पाठ बच्चों को स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या स्कूलों में इस पाठ की जरूरत नहीं है? काश ये पाठ बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता कि माता भगवान होती है तो कोई बेटा कभी अपनी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजता। आजकल बच्चे स्कूलों में माता पिता देवता हैं, पूज्य हैं, ये पढ़ ही नहीं रहे तो सम्मान करेंगे कैसे? आज माँ बाप का कोई उपकार बच्चे मानते ही नहीं। माँ बाप बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। काश एक पाठ ये भी होता बच्चों के लिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। यदि क्या क्या किया है माँ बाप ने, बच्चों को ये पाठ आठवीं क्लास से पढ़ाया जाए, आठवीं से लेकर के बारहवीं तक, आठवीं से लेकर बारहवीं तक ये बात यदि पढ़ा दी गई स्कूलों में कि माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, माँ बाप का योगदान क्या होता है, श्रवण कुमार की कथा यदि बच्चों को आठवीं से लेकर बारहवीं तक पढ़ाई गई तो गारंटी मैं लेता हूँ कोई बेटा श्रवण कुमार की कथा पढ़कर कभी अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा। इतना कुछ आप पढ़ाते हो, एक पीरियड आधा घंटा की क्लास बच्चों को माँ बाप के नाम पर होनी चाहिए कि नहीं? और केवल माँ बाप के नाम पर नहीं साहब, आजकल रिश्तों के ऊपर भी पढ़ाई होनी चाहिए। किस तरह विवाह के बाद का जीवन जिया जाए, आठवीं से लेकर बारहवीं तक में बच्चों को ये पढ़ाओ कि किस तरह आपको विवाह के बाद कठिनाइयां आ सकती हैं और जब ये कठिनाई आएगी तब आपको क्या निर्णय लेना होगा, ये पढ़ाओ। आजकल बड़े पढ़े लिखे बच्चे, बड़ी बड़ी डिग्रियां धारी बच्चे, वह गृहस्थी नहीं चला पा रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले लोग, बड़ा बड़ा बिजनेस चलाने वाले लोग अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? तो गृहस्थी चलाने का भी एक सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? आठवीं से लेकर बारहवीं तक में ये सब पढ़ाओ कि विवाह के बाद क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि ये पढ़ा दिया गया तो तलाक रुक जाएगा साहब? क्या रुक जाएगा बोलो? तलाक रुक जाएगा, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है। यदि बच्चों को भगवद गीता पढ़ा दी गई तो गारंटी लेता हूं क्राइम रुक जाएगा, अपराध भारत में रुक जाएंगे गीता पढ़ा दी गई तो, लेकिन नहीं पढ़ाई जा रही, बड़ी विडंबना है। भाई भाई के रिश्ते कैसे होने चाहिए, भरत और राम का प्रसंग बच्चों को सिलेबस में होना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते कैसे हों, यह प्रसंग भी सिलेबस में होने चाहिए। माता पिता की भूमिका जीवन में क्या है, यह भी सिलेबस में होना चाहिए। और आप अपने बच्चों को किस तरह संस्कारी बनाएंगे, यह भी पहले से सिलेबस में पढ़ा दो ताकि पूरी व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, आने वाली पीढ़ी भी ना बिगड़े और वर्तमान पीढ़ी भी ना बिगड़े। अच्छा बताओ, आप लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, पैसा या पुत्र? उत्तर दो। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा है या पुत्र है? जोर से, जोर से। मैया धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, मत बोलो ऐसे, ये तुम भीष्म पितामह बन जाती हो, मेरी माँ बोलती नहीं हो। बताओ, पैसा ज्यादा अनमोल है या पुत्र?
पुत्र, पैसा बचाओगे कि पुत्र को बचाओगे? हाँ, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, गृहस्थों की संपत्ति भगवान तो है, पर पुत्र भी आपकी संपत्ति है। आपके पास दौलत कितनी है ये कोई ना पूछेगा, आपका पुत्र कितना संस्कारी है ये सब पूछेंगे। इसलिए आप पैसा कमाने में पागल ना हो जाओ, अपने पुत्रों को संस्कार देने में भी थोड़ा समय लगाओ। बेटा लायक होगा तो पैसा कमा लेगा, संस्कारी होगा तो सुखी होगा। पैसा कमा कमा के बच्चों को दे तो दिया पर संस्कार तो दिया नहीं, तो बेटा सारा पैसा उड़ाकर वो सुरा और सुंदरी में उलझ जाएगा। तो बताओ, बच्चों को पैसा देना जरूरी है कि संस्कार? क्या दोगे? संस्कार। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को संस्कार देने में लगे हुए हैं? अपने पोता, अपनी पोती, अपने बेटा, अपनी बेटी, सबको संस्कार दीजिए। क्या देंगे? जोर से। क्या देंगे? मेरी मां संस्कार देंगे। तो आप लोग बच्चों को लायक बनाओ। जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा, जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस देते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को अपाहिज करते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी देते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? अपाहिज करते हैं। जबकि देना क्या चाहिए? बच्चों को बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी नहीं, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहिए। बेटा ऐसे संस्कार, ऐसा गुण दे दो कि बेटा हमारे बाद तुम अपने से कमा के खाना। जो काम हमने किया, जो गुण हमें मिला, वह टैलेंट बच्चों को सिखा दो। बच्चों को टैलेंटेड बनाओ, काबिल बनाओ। जरूरी नहीं है कि आप दौलतमंद बनाओ, धनवान बनाओ। पैसा बच्चे कमा लें, यदि आपने बच्चों को योग्यता दी तो पैसे तो कमा ही लेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? पैसा बड़ी बात नहीं है, वो तो कमा ही लेंगे।